हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट 3 दैट इज अबाउट ऑसिलेटर्स. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डू द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेटर्स इन विच वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ऑसिलेटर. सो व्हाट इज एन ऑसिलेटर? इट इज अ सर्किट विच जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस फ्रॉम अ डीसी सप्लाई. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एन ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी पावर फ्रॉम द सप्लाई इनटू एसी पावर ऑन द लोड विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल टू इट. इसका मतलब क्या है? जो हमारा ऑसिलेटर होता है उसमें हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल नहीं होता, हमारे पास सिर्फ डीसी पावर इनपुट होता है और सिर्फ सिग्नल आउटपुट होता है. सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर? पहले हमने एम्पलीफायर किया था, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू ऑसिलेटर्स. एम्पलीफायर में हमारे पास क्या होता है? एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है विद अ सिमिलर वेव फॉर्म एज दैट ऑफ द इनपुट. इसका मतलब क्या है? एम्पलीफायर में हमारे पास एक इनपुट सिग्नल होता है और एक डीसी पावर इनपुट होता है, देन वी गेट द सिग्नल आउटपुट विच इज एम्पलीफाइड. ठीक है, नाउ ये तो एम्पलीफायर है. अब एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है? ऑसिलेटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी इनपुट सिग्नल. ठीक है, यहाँ पर हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है बट इट इज विदाउट एनी इनपुट सिग्नल. इट कीप्स प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट सिग्नल एज लॉन्ग एज द डीसी पावर इज सप्लाइड. जब तक डीसी पावर इनपुट जो है वो सप्लाई होता रहेगा तब तक जो ऑसिलेटर है वो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता रहेगा. ऑसिलेटर जो है इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल टू स्टार्ट और मेंटेन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस. एम्पलीफायर में वी नीड सिग्नल इनपुट, डीसी पावर इनपुट एंड देन वी गेट द आउटपुट सिग्नल. व्हाइल इन केस ऑफ ऑसिलेटर्स वी गेट द आउटपुट सिग्नल व्हेन अ डीसी पावर इनपुट इज अप्लाइड एंड इट कीप्स प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट सिग्नल एज लॉन्ग एज द डीसी इनपुट पावर इज सप्लाइड. It does not require any input signal. It does not require any external input signal. This is the oscillator. Oscillator कैसी wave produce करता है? It can be a sinusoidal wave or a square wave. ठीक है? The circuits which produce square waves, they are called multivibrators. वो circuits या यू कैन से वो ऑसिलेटर्स जो स्क्वायर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी वाइब्रेटर्स. हमारे पास दो तरीके के ऑसिलेटर्स होते हैं, एक होता है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स और एक होता है नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स. जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स होते हैं उनको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बोलते हैं और जो नॉन साइनोसॉइडल होते हैं उनको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स भी बोलते हैं. साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स कौन से होते हैं? ये वो ऑसिलेटर्स होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं जिसकी शेप होती है ऑफ अ साइन वेव फॉर्म. और यू कैन से दैट द ऑसिलेटर्स विच प्रोवाइड एन इनपुट, सॉरी द ऑसिलेटर्स विच प्रोवाइड एन आउटपुट हैविंग अ साइन वेव फॉर्म आर कॉल्ड साइनोसॉइडल और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. ऐसे ऑसिलेटर्स जो हमें साइन वेव फॉर्म आउटपुट देते हैं उनको हम साइनोसॉइडल बोलते हैं. ठीक है, और ऐसे ऑसिलेटर्स जो हमें आउटपुट देते हैं ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म और सॉटूथ वेव फॉर्म उनको हम नॉन साइनोसॉइडल और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स बोलते हैं. हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टडी द साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स हियर, वी डोंट नीड टू स्टडी द नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स. ठीक है, सो वी विल फोकस मेनली ऑन द साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स. दैट मींस व्हेन वी गेट द आउटपुट ऑफ अ साइन वेव फॉर्म. When an amplifier circuit is made to produce undamped or sustained oscillations, it becomes an oscillator. जो हमारा amplifier circuit है, जब वो हमें undamped या sustained oscillations देता है, undamped मतलब हमारे जो oscillations है वो time के साथ जो है उसका amplitude decrease नहीं हो रहा, amplitude जो है it is
रिमेनिंग सेम. अगर हमारे पास इस तरीके की वेव फॉर्म है जिसका एम्पलीट्यूड जो है इट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, इसको हम बोलते हैं डैम्ड ऑसिलेशंस. अनडैम्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं? अनडैम्ड ऑसिलेशंस होते हैं ये जहां पर हमारा एम्पलीट्यूड जो है इट डज नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, तो हमारा जो ऑसिलेटर होता है इट प्रोड्यूसेस अनडैम्ड और यू कैन से सस्टेन्ड ऑसिलेशंस. ये एक तरीके का एम्पलीफायर ही होता है. सो यू कैन से दैट ऑसिलेटर जो है इट इज बेसिकली एन एम्पलीफायर विच प्रोड्यूसेस द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस. ठीक है, और कौन सा एम्पलीफायर होता है हमारा जो हमें ये सस्टेन्ड ऑसिलेशंस देता है? एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक. अगर तुम लोगों को याद होगा when we were doing the feedback in amplifiers, तो वहाँ पे मैंने बताया था for positive feedback when A beta is equal to 1, then in that case जो हमारा gain था it becomes infinite. So we can say that continuous output is produced without any external input. इस सिचुएशन को हम यूज कर सकते हैं एज एन ऑसिलेटर. सो वी कैन इन जनरल से दैट ऑसिलेटर इज बेसिकली एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक. लेकिन इसमें एक चेंज होगा, हमारे पास कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल नहीं होगा. ठीक है, आउटपुट से जो कुछ पोर्शन हम फीडबैक करेंगे टू द इनपुट वाया पॉजिटिव फीडबैक वही इनपुट होगा और कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल हम अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, ऑसिलेटर्स के केस में वी हैव ओनली द डीसी पावर इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल, वी डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल. ठीक है, सो व्हेन वी अप्लाई अ पॉजिटिव फीडबैक टू अ amplifier, it becomes an oscillator. Okay, so you can say that oscillator is basically an amplifier with positive feedback. Now we'll see the different types of oscillators or the classification of oscillators. Oscillators जो है यहाँ पर दिखाया है depending upon their method of production of oscillations or their nature of waveform or their frequency that is generated, the oscillators jo hai they are classified. So first we'll see the classification of oscillators depending upon the method of production of oscillations. This type of classification depends on the particular device that makes oscillations possible. Accordingly, oscillators are subdivided as दो तरीके के ऑसिलेटर्स हैं. वी हैव अ फीडबैक ऑसिलेटर्स एंड द नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स. कौन कौन से हैं? फीडबैक ऑसिलेटर्स एंड द नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स. फीडबैक ऑसिलेटर्स हमारे वो ऑसिलेटर्स हैं जिसमें कुछ आउटपुट का पोर्शन जो है हम फीडबैक करते हैं टू द इनपुट, और वो फीडबैक कौन सा होगा? द पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स. नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स हमारे कौन से होते हैं? दे आर बेसिकली द ऑसिलेटर्स दैट वर्क ऑन नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. ठीक है, जो ऑसिलेटर्स नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पे वर्क करते हैं उनको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स बोलते हैं. नाउ नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है इट बेसिकली रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर एन इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स कॉजेज अ डिक्रीज इन करंट. जब हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है पर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर थिंग को हम लोग बोलते हैं द नेगेटिव रेजिस्टेंस. सो यू कैन से दैट दिस टर्म रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर एन इंक्रीज इन वोल्टेज कॉजेज अ डिक्रीज इन करंट. और इसका कौन सा एग्जाम्पल जो है वो होता है? द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर इज द टनल डायोड ऑसिलेटर. टनल डायोड ऑसिलेटर जो है इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइनोसॉइडल ऑसिलेटर. साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का बेस्ट एग्जाम्पल है द टनल डायोड ऑसिलेटर विच एग्जिबिट्स द नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स जो है हमारे उसमें जो है एक कैटेगरी ये भी होती है नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स की. तो नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स जो है
जो हमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म देते हैं वो होते हैं द टनल डायोड ऑसिलेटर, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और भी होते हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. टनल डायोड ऑसिलेटर जो होता है दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ साइनोसॉइडल ऑसिलेटर दैट कैन एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पर ये देखो, जो हमने ये दो क्लासिफाई करे हैं, जो हमने टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशंस, वो कौन से हमारे, द पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर एंड द नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर. ये जो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये अभी जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये चीजें जो है और क्लियर होंगी. यहाँ पर देखो, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट पावर इज फीडबैक इन टू द इनपुट सर्किट इन द प्रॉपर फेज विद द स्टार्टिंग पावर सो दैट इट बिकम्स equal to the original input signal of the amplifier. This type of feedback is called the positive feedback. Now, इस line का क्या मतलब है? ये आगे तुमको clear हो जाएगा when we'll do the Barkhausen criteria for sustained oscillations of the oscillator. वहाँ पे इस line का मतलब clear होगा कि ये क्या कह रहा है? कि हम आउटपुट पावर का कुछ पोर्शन जो है वो फीडबैक करते हैं इनटू द इनपुट सर्किट, किस तरीके से, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है. इसका मतलब क्या है, व्हेन ए बीटा वी इज इक्वल टू वी. अब इसका मतलब क्या है, ये आगे क्लियर होगा व्हेन वील डू द बर्खसन क्राइटेरिया, कि मैं ये बोल रही हूँ ए बीटा वी is equal to V. V हमारा क्या है, this is the original input signal of the amplifier. A beta V हमारा क्या है, this is the feedback voltage. ये जो है it should be equal to the original input signal of the amplifier. ये क्या होता है आगे जाके clear होगा. यहाँ पे बस इतना देखो, we have two types of oscillators on the basis of the method of production of oscillations. अगर हम oscillations produce कर रहे हैं via positive feedback, तो उसको हम कहते हैं feedback oscillators. अगर हम oscillations produce कर रहे हैं by using this negative resistance property, तो उसको हम बोलते हैं the negative resistance oscillators. Negative resistance property क्या होती है, जो हमारे tunnel diodes होते हैं, ये भी ये property show करते हैं. उसमें हमारे पास क्या होता है, इनिशियली जब हमारी वोल्टेज बढ़ रही है, करंट हमारा बढ़ रहा है, और जब वोल्टेज हमारी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, करंट हमारा डिक्रीज होता है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सपोज मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रही हूँ करंट और एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रही हूँ वोल्टेज. जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इनिशियली करंट हमारा बढ़ रहा है एंड इट विल बिकम मैक्सिमम, ठीक है. इसको हम बोलते हैं द पीक पॉइंट, व्हेन करंट इज मैक्सिमम. नाउ व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, नाउ सडनली द करंट इज स्टार्ट टू डिक्रीज. करंट जो है, नाउ इट इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन वोल्टेज, ठीक है. और ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है हमारी, दिस इज कॉल्ड द वैली करंट एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द वैली वोल्टेज एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वैली पॉइंट. उसके बाद जो है करंट हमारा फिर से इंक्रीज होने लगता है. तो ये जो हमारा रीजन है, दिस इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जहां पर जब हमारी वोल्टेज बढ़ती है, करंट हमारा डिक्रीज होता है. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ऑसिलेटर, और जो हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं दैट वर्क ऑन दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, उन ऑसिलेटर्स को हम बोलते हैं द नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स. इसको ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, ठीक है. टनल डायोड ऑसिलेटर जो है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. Now, ये जो हमारा रीजन है, the negative resistance region, इसे negative resistance region क्यों कहते हैं? Suppose मैं यहाँ पर अगर इसकी स्लोप निकाल रही हूँ, स्लोप मेरी क्या होती है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है. एंड by Ohm's law V is equal to IR. हमें पता है जो हमारी डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, V is equal to IR होता है. तो ये होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, ठीक है. तो अगर मैं स्लोप निकालूंगी इन दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, तो यहाँ पर मेरी स्लोप नेगेटिव आएगी. क्यों? बिकॉज हमारा डेल्टा वी क्या होगा, दिस थिंग,
V2 माइनस V1, ठीक है, और हमारा करंट क्या है, I2 माइनस I1, I2 जो है हमारा लेस है I1 से, तो I2 माइनस I1 जो होगा हमारा दैट विल बी नेगेटिव क्वांटिटी, सो दिस स्लोप इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज नेगेटिव, ठीक है, सो दैट्स व्हाई, और यू कैन से 1/ स्लोप, स्लोप हमारा क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा i अपॉन डेल्टा v, स्लोप इज नेगेटिव, सो रेजिस्टेंस दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, दैट मींस द इनवर्स ऑफ स्लोप, इट विल आल्सो बी नेगेटिव, सो दिस रीजन इज कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट एन ऑसिलेटर, देन दैट ऑसिलेटर इज कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स। आई होप ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द डिवीजन ऑफ ऑसिलेटर्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वेवफॉर्म जनरेटेड। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, हमारी जो आउटपुट वेवफॉर्म है, इफ इट कम्स आउट टू बी अ साइन वेव फॉर्म, देन दीज ऑसिलेटर्स आर कॉल्ड द साइनोसॉइडल और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो ये कौन से ऑसिलेटर्स होते हैं, विच प्रोड्यूस और विच प्रोवाइड एन आउटपुट हैविंग अ साइन वेव फॉर्म। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, हार्टले ऑसिलेटर, कॉल्पिट्स ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, और तुम्हारे सिलेबस में हार्टले और कॉल्पिट ऑसिलेटर्स है, हम ये पढ़ेंगे आगे जाके। नेक्स्ट वी हैव नॉन साइनोसॉइडल और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। ये हमारे कौन से ऑसिलेटर्स होते हैं, ये हमारे वो ऑसिलेटर्स होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं हैविंग अ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और अ सॉटूथ वेव फॉर्म। ठीक है, इनके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, कौन से ऑसिलेटर्स होते हैं, जैसे मल्टी वाइब्रेटर्स, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी। नेक्स्ट the classification of oscillators on the basis of frequency of the output voltage. अगर हमारे जो oscillators हैं वो produce कर रहे हैं output voltage जिसकी frequency जो है it is ranging from 20 hertz to 20 kilohertz, उन oscillators को हम बोलते हैं audio frequency oscillators. If the frequency of the output voltage is varying from 20 kilohertz to 30 megahertz, उनको हम बोलते हैं the radio frequency oscillators. और अगर हमारी जो voltage produce हो रही है उसकी frequency range कर रही है from 30 megahertz to 300 megahertz, तो उन oscillators को हम बोलते हैं very high frequency oscillators, और इन oscillators को हम use करते हैं for video telecasting. Next, जो हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स, एंड विच प्रोड्यूसेस वोल्टेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 3 गीगाहर्ट्ज टू सेवरल गीगाहर्ट्ज, उन ऑसिलेटर्स को हम बोलते हैं माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स। सो बेसिकली वी हैव 5 types of oscillators that are classified on the basis of the frequency of generated voltage. जो radio frequency oscillators होते हैं इनको हम use करते हैं for radio broadcasting, और जो very high frequency oscillators होते हैं they are basically used for video telecasting, that is in TV. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर जो है हमारा इट प्रोड्यूसेस द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, वेयर नो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज रिक्वायर्ड, और जब तक हमारी डीसी इनपुट पावर की सप्लाई रहेगी तब तक जो है हमें आउटपुट मिलता रहेगा। फिर हमने देखा डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स, हमने ऑसिलेटर्स जो है उनको क्लासिफाई किया इनटू द 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशंस, द नेचर ऑफ वेवफॉर्म जनरेटेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, the feedback and the negative resistance oscillators. जो oscillators हमारा positive feedback use करते हैं उनको हम feedback oscillators बोलते हैं, and those oscillators which use the negative resistance property, उन oscillators को हम negative resistance oscillators बोलते हैं।
ठीक है, मेन हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेन क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, अगर हमारी वेव फॉर्म साइनोसॉइडल है देन इट इज अ साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, और अगर हमारी वेव फॉर्म जो है वो साइन वेव फॉर्म नहीं है, इट इज ऑफ अनदर शेप, इट कैन बी अ स्क्वायर शेप, इट कैन बी अ सॉटूथ शेप, इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर शेप, इट कैन बी अ ट्रायंगुलर शेप, उनको हम बोलते हैं द नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वी हैव फाइव क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑसिलेटर्स। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर्स। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर्स इज दैट अ नेगेटिव रेजिस्टेंस इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कॉम्पनसेटिंग द लॉसेज इन द ऑसिलेटरी सर्किट। हमारा जो ऑसिलेटरी सर्किट है उसमें लॉसेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लॉसेज होंगे देन वील गेट दी डैम्ड ऑसिलेशंस, एंड व्हाट वी रिक्वायर दी अनडैम्ड और दी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो हमें जो है लॉसेस को कॉम्पनसेट करना है, और वो कैसे हो सकता है, इट कैन बी डन बाय टू वेज, ईदर बाय यूजिंग द नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और बाय यूजिंग द पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, इन अ फीडबैक ऑसिलेटर एक्सटर्नल पॉजिटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द ओवरऑल गेन इंफिनिटी, provides the negative resistances sufficient for overcoming the damping of the oscillations. अगर हम positive feedback use करते हैं तो उस case में भी जो है we can overcome the losses or the damping of oscillations. And if we use a negative resistance oscillator, in that case also the internal positive feedback is already present, so which provides the required negative resistance. That means in a negative resistance oscillator also we can compensate the losses or the damping of the oscillations in the circuit. So in this chapter we shall confine our study to the LC tuned circuit oscillators. In such type the input or output circuit may be tuned both in common base and common emitter circuits, as will be shown in the subsequent articles. Now abhi humne kya dekha, what is an oscillator, what are the different classification of oscillators, what is the fundamental principle of oscillators. Fundamental principle kya hai hamara oscillator ka, ki jo hai it should be having the positive feedback or the negative resistance property. ठीक है, हमें what we require the undamped or the sustained oscillations. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो है हम sustained oscillations और damped oscillations अब जो हमारे produce हो रहे हैं if we use the tank circuit. Next topic हमारा क्या है, oscillations in a tank circuit. इसमें हम देखेंगे when we'll use a simple LC circuit that in which L and C, or you can say inductor and capacitor are connected in parallel. In that case, how we get the damped oscillations? और फिर इन डैम्ड ऑसिलेशंस को जो है हम अनडैम्ड कैसे कर सकते हैं, और हम ये देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव फीडबैक वी कैन गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस इन द ऑसिलेटर विच इज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और वो हम पहले भी देख चुके हैं पॉजिटिव फीडबैक में, व्हेन ए बीटा इज इक्वल टू 1 दैट मींस व्हेन द ओवरऑल गेन बिकम्स इंफिनिटी, इन दैट केस we can get the sustained oscillations, और इसको हम बोलते हैं the Burke-Hessen criteria for sustained oscillations. ये हम आगे देखेंगे. So in general, what we can say that oscillator जो है it is a circuit that works on Burke-Hessen criteria, which states that an amplifier can be converted into a oscillator provided the following conditions must be satisfied. What are the following conditions? First one is amplifier jo hai it must have positive feedback. Second condition is jo hamara loop gain value hai, that means jo a into beta hai, it should be greater than equal to 1. Next thing is jo overall phase shift hota hai between the input and output, that must be equal to 360 degree or 0 degree. Now iska kya matlab hai, ye tum logo ko abhi samajh mein nahi aayega, ये तुम लोगों को समझ में आएगा when we'll do the Burke-Hessen criteria. तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे oscillations in a tank circuit. ठीक है, इस तरीके का हमारा figure है.
ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑसिलेशंस इन अ टैंक सर्किट। इसमें जो है हम किस तरीके का सर्किट लेंगे? नाउ ये जो हमारा सर्किट है इट कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्टिव एलिमेंट्स। दो रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कंसिस्ट कर रहा है ये। एक हमारा इंडक्टर है, ठीक है, हैविंग द इंडक्टेंस एल। एक हमारा कैपेसिटर है, हैविंग द कैपेसिटेंस सी। ठीक है, सो दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्टिव एलिमेंट्स, द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर एज शोन इन दिस फिगर। ना इस सर्किट को हम बोलते हैं द एलसी सर्किट और द टैंक सर्किट। व्हाट वी नो अबाउट द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, बोथ द रिएक्टिव डिवाइसेस, दैट मींस बोथ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, जो इंडक्टर होता है इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू इट, और वह एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारा कैपेसिटर होता है इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड व्हेनेवर अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स प्लेट्स, और वो एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। तो इंडक्टर के केस में इट इज हाफ एल आई स्क्वायर, एंड कैपेसिटर के केस में इट इज हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सो बोथ द रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है, लेट से वी आर कंसीडरिंग बोथ द रिएक्टिव एलिमेंट्स टू बी द आइडियल वन। अभी हम उसको आइडियल कंसीडर करते हैं, लेट से दैट मींस वी हैव नो पावर लॉसेस, दोनों आइडियल है। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करेंगे दैट हाउ दिस एलसी सर्किट और द टैंक सर्किट कैन जनरेट द ऑसी लेशंस। ठीक है, सपोज जो हमारा कैपेसिटर है इट हैज बीन चार्ज्ड फ्रॉम अ डीसी वोल्टेज सोर्स विद अ पोलैरिटी एज शोन इन दिस फिगर। यहां पे वी हैव पॉजिटिव पोलैरिटी इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे वी हैव नेगेटिव पोलैरिटी। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस स्विच इज ओपन, जब स्विच हमारा ओपन है, ये जो हमारा कैपेसिटर है इट कैन नॉट डिस्चार्ज थ्रू द कॉइल L और थ्रू दी इंडक्टर L। नाउ जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है, जैसे हमारा ये फिगर है, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा, कैपेसिटर जो है नाउ इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दी इंडक्टर L। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट जो है हमारा दैट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो this will be the direction of the flow of electrons from negative to positive, ye hamari direction hai flow of electrons ki, to current kis direction mein hoga, current will be in this direction, theek hai, this direction is representing the direction of conventional current, theek hai, exam mein isko is tarike se mat likhna electron current, theek hai, this is the direction of current and this is the direction of flow of electrons, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट जो है इट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड व्हाट हैपेंस, कैपेसिटर जो है इट विल डिस्चार्ज थ्रू दिस इंडक्टर एल। डिस्चार्जिंग की वजह से क्या होगा, द डिस्चार्जिंग इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्लेट बी टू द प्लेट ए थ्रू द कॉइल एल as indicated by this arrow, जो ये मैंने बनाया है, इस direction में जो है electrons flow करेंगे, this flow of electrons जो है it will result in the flow of current, now this current flow जो है it will set up the magnetic field around the coil, ये इसकी property है, now ये जो magnetic field है it stores the energy released by the electric field, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जो करंट है इट ग्रोज अप स्लोली टूवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू। दिस सिचुएशन अकर्स व्हेन द कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज। तो अब क्या हुआ हमारे पास, एट दिस इंस्टेंट जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी दैट वॉज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इट विल बिकम जीरो, और जो हमारी एनर्जी थी दैट वॉज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बिकम मैक्सिमम। Or in other words, you can say that electrical energy across the capacitor is completely converted into magnetic field energy around the coil.
इनिशियली कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी दैट वाज हाफ सीवी स्क्वायर. जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया ना इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल स्टार्ट मूविंग दैट विल रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ करंट. बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ करंट व्हाट विल हैपन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और जो इंडक्टर है हमारा इट विल स्टोर द एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड. कितनी एनर्जी स्टोर करेगा हाफ एल आई स्क्वायर. ठीक है तो अब हमारे पास क्या हुआ धीरे धीरे करके कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया और जो हमारा इंडक्टर है उसमें जो है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड हो गई दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी. ठीक है और ये हमें ऑलरेडी पता है बी हमारा क्या होता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड आई. द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट अलोंग अ करंट कैरिंग वायर. ये डेरिवेशन जो है ऑलरेडी तुमने किया था इन योर 12th स्टैंडर्ड. बी हमारा क्या होता है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ठीक है तो इसका मतलब बी जो है हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. आई अगर हमारा इंक्रीज होगा तो बी भी जो है हमारा इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा करंट फ्लो बढ़ेगा. जैसे जैसे आई हमारा बढ़ेगा बी भी हमारा बढ़ेगा. सो इस वजह से जो है इंडक्टर जो है इट विल स्टोर द एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इन टू द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी अराउंड द कॉइल. ठीक है नाउ वंस द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज कम्प्लीटली द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल बिगिन्स टू कोलैप्स एंड प्रोड्यूसेस अ काउंटर ईएमएफ. जब हमारा कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो अब क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द कॉइल इट विल स्टार्ट गेटिंग कोलैप्सिंग. सो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो हमारी काउंटर ईएमएफ है इट कीप्स द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो इससे क्या होगा दिस विल अगेन चार्ज द कैपेसिटर बट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन दिस फिगर सी. सो नाउ यू कैन नोट हियर दैट जो हमारी प्लेट ए है वो हमारी क्या हो गई अब वो हमारी नेगेटिव हो गई और जो हमारी प्लेट बी है वो हमारी पॉजिटिव हो गई. ठीक है सो व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड कंप्लीटली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब क्या होगा जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल इज आल्सो कोलैप्स्ड completely and at that instant the energy that was previously stored in the magnetic field will now convert into the energy stored in the electric field of the capacitor. ठीक है तो अब क्या होगा कैपेसिटर जो है हमारा वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा और जो इंडक्टर है वो हमारा फुल्ली डिस्चार्ज जो हमारा इंडक्टर है उसके अक्रॉस उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमारी जीरो हो जाएगी. सारी की सारी एनर्जी जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द कैपेसिटर. Now, after this, what will happen? Capacitor jo hai, now it will start discharging in the opposite direction so that now electrons jo hai, humare, ab wo kaise move karenge? Ab humare electrons jo hai, it will move in this direction. Theek hai? From negative to positive. Ye humari positive plate ho gai ab aur ye negative plate ho gai. So now what will be the direction of current? The direction of conventional current will be this. It will be reversed. अब ये हमारी ऐसे हो गई. ठीक है so electric field जो होगा हमारा अब क्या होगा again electric field जो है वो collapse होने लग जाएगी और जो magnetic field है वो फिर build up होने लग जाएगी but are now in the reverse direction. ठीक है so फिर से capacitor हमारा fully discharge हो जाएगा और जो inductor है it will store the energy in its magnetic फील्ड. ठीक है तो ये जो हमने अभी सीक्वेंस डिस्कस किया ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इट विल रिजल्ट इन एन अल्टरनेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म क्या होती है द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एनर्जी जो है इट इज अल्टरनेटिवली स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल.
एनर्जी जो है ऑल्टरनेटिवली स्टोर होती जाएगी, पहले कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में, फिर कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कैपेसिटर जो है चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, दैट विल रिजल्ट इन द ऑल्टरनेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो हमारा इंटरचेंज है एनर्जी का बिटवीन द कैपेसिटर एंड कॉइल, इट विल कंटिन्यू टू बी रिपीटेड एंड विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, ठीक है। अभी हमने ये किसके लिए स्टडी किया था, व्हेन वी वर सेइंग दैट देयर इज नो पावर लॉसेस, दैट मींस व्हेन बोथ द रिएक्टिव एलिमेंट्स कैपेसिटर एंड इंडक्टर दे आर आइडियल वन। बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली में पावर लॉसेस तो होते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट इफ देयर आर नो पावर लॉसेस इन द टैंक सर्किट और इन द एलसी सर्किट, जो हमारी वेव फॉर्म होगी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, दैट विल बी अनडैम्प्ड, दैट मीन्स इट विल बी ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड। लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल टैंक सर्किट होता है उसमें जो वेव फॉर्म होती है ऑसिलेशंस की, दैट इज डैम्प्ड, दैट मीन्स ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड जो है इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। क्यों, बिकॉज एक्चुअली में इन अ प्रैक्टिकल टैंक सर्किट जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, दे आर नॉट आइडियल वन, ठीक है। एनर्जी जो है वो लॉस होती है बाय द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। और वो क्यों लॉस होती है और कैसे लॉस होती है, कुछ एनर्जी जो है वो हमारी लॉस हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स एंड विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है, जो हमारी कॉइल है उसमें रेजिस्टेंस होती है, हमारे पास कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। सो यू कैन से दैट जो हमारा प्रैक्टिकल टैंक सर्किट होता है उसमें जो वेव फॉर्म होती है ऑसिलेशंस की, दैट इज डैम्ड, दैट इज नॉट अनडैम्ड। व्हाई, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी जो है दैट कैन बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कनेक्टिंग वायर्स एंड विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ऑफ द कैपेसिटर। सो we can say that in a tank circuit we can get the oscillations, but these oscillations are not the sustained oscillations, they are the damped oscillations. I hope ye sabko clear hai ki how this tank circuit works. Jo maine abhi sab samjhaya wo sab yahan par likha hai, theek hai, to isko pad lena, ye sab samajh mein aa jayega. बेसिकली क्या है, कैपेसिटर और इंडक्टर की प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया है टू गेट द ऑसिलेशंस, ठीक है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेनेवर अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स प्लेट्स। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू इट। इसी प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पर यूज किया टू गेट द डैम्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा अगर हम टैंक सर्किट यूज कर रहे हैं तो हमें ऑसिलेशंस तो मिल रहे हैं, ठीक है, बट दीज ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, दीज आर नॉट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। एंड व्हाट वी रिक्वायर द अनडैम्प्ड और द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट यू कैन सी दैट फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑसिलेशंस की, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये एक्सप्रेशन जो है हम पहले भी देख चुके हैं इन द यूनिट वन। नियर द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन द टैंक सर्किट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, दैट मींस एम्पलीट्यूड जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस द एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। अगर हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करनी है तो हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ताकि जो हमारी एनर्जी लॉस हुई बिकॉज ऑफ द, जो हमारी एनर्जी लॉस हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, बिकॉज ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स और बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द कैपेसिटर, वो जो हमारे लॉसेस हैं वो हमारे कम हो पाए। सो फॉर दिस वी रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स। अगर हमारे पास कोई डैम्पिंग नहीं होगी तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी 1/2 pi अंडर रूट एल सी, दैट इज द केस ऑफ द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट।
पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में हमने देखा था इफ आर इज इक्वल टू जीरो, आर अगर हमारा जीरो हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डैम्पिंग नहीं होगी व्हेन आर इज जीरो, दिस रिलेशन बिकम्स दिस। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये फिगर दिखा रखी है, दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेशंस इन द एलसी सर्किट, बट इन एन ऑसिलेटर व्हाट वी रिक्वायर द अनडैम्प्ड और सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, एंड दिस कैन बी डन। हमें क्या करना है, उसे एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू ओवरकम द एनर्जी लॉसेस। तो वो हम एक्सटर्नल एनर्जी कैसे सप्लाई करेंगे, वो हम सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। सो इफ वी अप्लाई एन एप्रोप्रिएट फीडबैक इन द इनपुट सिग्नल, वी कैन गेट द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। This is representing the undamped or sustained oscillations produced by an oscillator. अब यहाँ पर जो है एक चीज और देखो, ये जो यहाँ पर इन्होंने expression लिख रखी है, the frequency of oscillations produced is, इसको correct कर लो, यहाँ पे 4L नहीं होगा, it is 4L square. ठीक है, हमने जब यूनिट वन में ये एक्सप्रेशन डिराइव करी थी तो वहां पे तुम ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एल स्क्वायर था, एल नहीं था। ठीक है, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड व्हेन वी हैव अ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। ठीक है, सो यू कैन से दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इफ देयर इज नो डैम्पिंग देन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय this expression. Okay, now we'll proceed with the feedback in oscillators or the Burkhausen criteria for sustained oscillations. अब तक हमने क्या देखा, oscillator क्या होता है, हमने different classification of oscillators देखे, फिर हमने देखे that in a LC circuit or in a tank circuit we can get the oscillations, but these oscillations are damped oscillations, but what we require the undamped or the sustained oscillations. To hame agar sustained oscillations chahiye to hame jo energy loss ho raha hai circuit mein us energy loss ko overcome karna padega. तो उस एनर्जी लॉस को ओवरकम करने के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो ऑसिलेटर में जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, वो हम सप्लाई करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट फीडबैक इन द इनपुट सिग्नल। तो यहाँ हम देखेंगे फीडबैक इन ऑसिलेटर्स में कि वो जो एप्रोप्रिएट फीडबैक है दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक दैट इज टू बी गिवन टू द input of the oscillator. So here see that we have seen in the previous article that an ordinary LC circuit can produce the damped oscillations. Now what we require, the undamped or the sustained oscillations. So in order to produce such kind of oscillations, what we do, a positive feedback jo hai, that will be given to the input of the oscillator so that the oscillator produces AC output signal without the external input signal. Further, amount of feedback jo hai, it must be sufficient to overcome the losses. Iska matlab kya hai? Hamara jo oscillator hai, oscillator kya hota hai? Jo hame AC output signal deta hai in the presence of DC power input. Koi external AC input signal hum apply nahi karte. तो यहाँ पर भी जो है वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, ऑसिलेटर जो है इट विल प्रोड्यूस द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस इन द एसी आउटपुट विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल। बट यहाँ पर सस्टेन्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, वील गिव द पॉजिटिव फीडबैक टू द इनपुट ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, तो वो हम देखेंगे दैट हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक वी कैन गेट द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। तो कैसे होगा हमारे पास, देखो सपोज मेरे पास ये एम्पलीफायर है, ठीक है, ये मैं बस एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ये मेरे पास डीसी पावर इनपुट है, व्हाट आई विल गेट द एसी आउटपुट सिग्नल। ठीक है, सो इसको मैं एक फीडबैक जो है
वो सप्लाई करूंगी, दैट फीडबैक इज अ पॉजिटिव फीडबैक, और वो फीडबैक मैं दूंगी टू द इनपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर, और कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल मैं अप्लाई नहीं करूंगी. नाउ लेट ए बी द वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर. मेरे पास ये एक एम्पलीफायर है, लेट्स से इसका वोल्टेज गेन जो है कैपिटल ए है. वोल्टेज गेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज. लेट्स से वी जो है हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट सिग्नल क्या होगा, वोल्टेज गेन ए इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है, आउटपुट हमारा क्या होगा, फिर आउटपुट विल बी ए इनटू द इनपुट. इनपुट वोल्टेज हमारी क्या है, वी, तो आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या आ गई, ए इनटू V. ठीक है, सो इट इज सेइंग, लेट्स से ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसका वोल्टेज गेन A है और इनपुट सिग्नल V है, तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा, A into V. लेट्स से बीटा हमारा क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर. हमने जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी A into V, उसमें से कुछ फ्रैक्शन जो है अब हमने फीडबैक कर दिया टू द इनपुट सिग्नल. ठीक है, तो अब हमारा फीडबैक क्या है, ए वी बीटा. ठीक है, ए वी में से बीटा टाइम्स, मतलब बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर, तो हमारी फीडबैक वोल्टेज क्या होगी, फीडबैक वोल्टेज विल बी इक्वल टू बीटा इनटू ए वी. ये हमने जो वोल्टेज है ये हमने फीड करी टू द इनपुट. ठीक है, लेट बीटा बी द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफर्ड बैक टू द इनपुट सिग्नल, देन बीटा ए वी इज द फीडबैक इनटू द इनपुट सिग्नल, दैट इज द फीडबैक इज पॉजिटिव. ये जो बीटा ए वी है हमारा, ये जो फीडबैक फैक्टर है बीटा, दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देन दिस फीडबैक विल बिकम पॉजिटिव. तो हमारी फीडबैक वोल्टेज क्या हो गई, ए इंटू बीटा इंटू वी. कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे, देन दिस ए बीटा वी जो है दिस विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज वी, देन द एम्पलीफायर विल कंटिन्यू टू सप्लाई इट्स ओन इनपुट, दस द ओरिजिनल इनपुट वोल्टेज इज मेंटेन्ड एट द सेम लेवल, दस फॉर मेंटेनिंग ऑसिलेशंस ए बीटा वी शुड बी इक्वल टू वन और ए बीटा इज इक्वल टू वन. This condition is called the Barkhausen criteria for sustained oscillations. इसका मतलब क्या है, देखो ये कहता है अगर मेरे पास in general एक amplifier है, let's say उसका voltage gain capital A है और V उसका input signal है, तो output signal क्या होगा हमारा, A into V. ठीक है, उसमें से हमने कुछ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट जो है उसको ट्रांसफर बैक कर दिया टू द इनपुट, तो हमारी फीडबैक वोल्टेज क्या हो गई, बीटा इनटू ए वी, वेयर बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर, बीटा इनटू ए वी इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक वोल्टेज. अगर हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशंस चाहिए तो एम्पलीफायर का जो इनपुट सिग्नल वोल्टेज थी वो वोल्टेज हमारी फीडबैक वोल्टेज के इक्वल होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि ऑसिलेटर के केस में हम कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे, तो अगर हमारी फीडबैक वोल्टेज ए बीटा वी इक्वल हो जाएगी इनपुट वोल्टेज वी के, देन एम्पलीफायर जो है इट विल कंटिन्यू टू सप्लाई इट्स ओन आउटपुट, इट्स ओन इनपुट सॉरी. इसका मतलब क्या है, देखो हमने पॉजिटिव फीडबैक के लिए ऑलरेडी वोल्टेज गेन की एक्सप्रेशन डिराइव करी थी, वो हमारी क्या थी, ए वी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, वेयर ए जो है हमारा इट इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक, ए वी इज रिप्रेजेंटिंग द गेन विद फीडबैक. अब ए बीटा अगर हमारा वन हो गया तो हमारा वोल्टेज गेन क्या हो गया, इट विल बी infinite, that means we are getting the continuous output without supplying any external input. Voltage gain infinity होने का मतलब क्या है, we are getting the output even when there is no input. तो a beta is equal to 1 जो है ये हमारी condition जो है होनी चाहिए to get the sustained oscillations. और जब मैं दोनों side अगर v से multiply कर दूं तो ये क्या हो गया, ए वी बीटा इक्वल टू वी.
AV beta is the feedback voltage, V is the input voltage. तो अगर मेरी फीडबैक वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गई, इसका मतलब मुझे कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल सप्लाई करने की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हमारा इनफ है टू प्रोवाइड द कंटीन्यूअस आउटपुट. ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं द बर्कहसन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन. सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो इनपुट सिग्नल इज नीडेड टू स्टार्ट द ऑसिलेशन. Only the condition given by relation 8.67, that means A beta equal to 1, must be satisfied for the sustained oscillations. Actually क्या होता है, A beta जो है उसको equal to 1 जो है हम नहीं रख पाते, तो what we do, we have to make this A beta greater than 1. So what is the condition for sustained oscillations? ये जो हमारा A into beta है, it should be greater than equal to 1. A beta जो है हमारा वो 1 से कम नहीं होना चाहिए, it should be greater than equal to 1. क्योंकि जो हमारा oscillator होता है, in which the quantity A beta is equal to 1, it is not realizable in practice. In every practical oscillator, quantity A into beta is slightly larger than unity. ठीक है, और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है जो यहाँ पर mentioned नहीं है. बर्कहसन क्राइटेरिया जो हमारा होता है, that is consisting of two conditions. Oscillator circuit जो होता है, it must satisfy the two conditions to produce the sustained oscillations. First condition is जो हमारा loop gain है A into beta, that should be greater than equal to 1. Second condition क्या होती है, जो phase shift है between the input and output signals, it must be equal to 360 degree or 0 degree. इसका मतलब क्या है, देखो हमें ऑलरेडी ये चीज पता है, सपोज अगर मैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज कर रही हूँ एम्पलीफायर में, तो वो क्या करता है, वो रिवर्स कर देता है फेज ऑफ द इनपुट सिग्नल एट इट्स आउटपुट. कॉमन एमिटर एम्पलीफायर से जब हम इनपुट को पास करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होता है, इट विल अंडरगो अ फेज चेंज ऑफ 180 degree. So we know that amplifier jo hai, it reverses the phase of an input signal at its output. Iska matlab kya hai? Amplifier jo hai, it is causing a phase shift of 180 degree between the input and the output signals. Now in order to provide the positive feedback, jo hamara feedback network hai, this one, it must provide a phase shift of 180 degree. Kyun? So as to provide a signal with a phase shift of 360 degree or 0 degree at the amplifier input. तो अगर हमारा जो feedback network होगा वो phase shift 180 degree का provide करेगा, in that case जो हमारा phase shift है between the input and output signal, it will be equal to 360 or 0 degree. ठीक है, तो ये हमारी दो conditions होती हैं. पहली condition है to provide the sustained oscillations, the first condition is the loop gain A beta should be greater than equal to 1. The another condition is the phase shift between the input and output signals must be equal to 360 or 0 degree. ठीक है, you should also note this, अगर हमारा जो circuit है, if it does not satisfy any of these two conditions, then the sustained oscillations will not be produced. ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी ये बात कि जो हमारा ऑसिलेटर सर्किट होता है, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द बर्कहसन क्राइटेरिया विच स्टेट्स दैट एन एम्पलीफायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑसिलेटर प्रोवाइडेड इट मस्ट सेटिस्फाई द थ्री कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज, जब एग्जाम में आएगा ना बर्कहसन क्राइटेरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक व्हाट इज बर्कहसन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, देन व्हाट यू शुड राइट, सुन लो ध्यान से, ये लिखना है ऑसिलेटर सर्किट वर्क्स ऑन द बर्कहसन क्राइटेरिया विच स्टेट्स दैट एन एम्पलीफायर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन ऑसिलेटर प्रोवाइडेड इट मस्ट सेटिस्फाई द थ्री कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज एम्पलीफायर मस्ट हैव द पॉजिटिव फीडबैक. Second condition, the loop gain value A into beta should be greater than equal to 1.
where A is the gain of the amplifier without feedback and beta is the feedback factor. Third condition is the overall phase shift between the input and output signal must be equal to 360 degree or 0 degree. ठीक है, ये तीनों conditions लिखनी है जब exam में आएगा Barkhausen criteria for sustained oscillations. ठीक है, अब यहाँ पर एक आखिरी चीज और मैं बताना चाहूंगी. देखो ये कहता है जब ए बीटा जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन इन दैट केस जो हमारा ओवरऑल गेन होता है दैट बिकम्स इनफाइनाइट. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, हमारी जो नॉइस है वो भी एम्पलीफाई होगी. हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी थी, पॉजिटिव फीडबैक जो है इट एम्पलीफाइज द नॉइस एज वेल. ठीक है, now it says that actually a beta is made greater than 1 and the oscillations are set up by amplifying the noise voltage which is always present. The average value jo hai a beta ki it is kept to 1. The resulting wave forms jo hai they are exactly sinusoidal. The figure 8.38 shows the noise voltage results in a built up steady state oscillations. It shows that an infinitesimal noise signal can provide a measurable AC output voltage and the circuit acts as an oscillator. Ye hamara kya dikha raha hai, this is showing that how a output signal is built up in an oscillator. Initially jo hai hamare paas noise signal hoti hai, dheere dheere karke jo hai we get a sustained oscillations in the output signal. ठीक है, this is the resultant waveform due to saturation. तो ये बता रहा है कि how output signal builds up in an oscillator. ठीक है, धीरे धीरे करके initially हमारे पास noise signal होती है, then धीरे धीरे करके हमारे जो steady state oscillations होते हैं वो build up हो जाते हैं and we get a proper sustained oscillations, जिसमें हमने इन तीनों conditions को satisfy किया है, positive feedback, a beta greater than equal to one, and no phase shift, or you can say that 360 degree phase shift between the input and the output signal. ठीक है, जो हमारा phase shift है between the input and the output, that should be either 0 or 360 degree. Now from the next class onwards, we'll start with the different examples of oscillator. We'll see the common base collector, tuned oscillator, common emitter, common collector, and then we'll see the Hartley and the Colpitts oscillator.